आदिवासी समाज पहले कभी पिछड़ा ना था, हम धन्य व्यक्तियों में आते थे। जब पशुधन और सोना और जमीन हुआ करती थी तब बहुत थी, लेकिन अचानक अकाल पड़ने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति खत्म हो गई और उसके बाद ज़्यादा पैसा होने की वजह से हमारे पूर्वज हमें पढ़ा, मतलब लाड़ प्यार में हमको बिखाड़ दिया, एजुकेशन की हम तवज्जो समझ ना पाए। लेकिन जब धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति लॉस हो चुकी थी तब हमें एजुकेशन का मालूम पड़ा कि एजुकेशन क्या है। तो आज हम जो नई युवा पीढ़ी हैं ये चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ले, और कोई हमारे को मार्गदर्शन बताने वाला नहीं, क्योंकि सरकार ने भी काफ़ी फैसिलिटीज़ दे रखी है कि अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, तो उसके लिए काफ़ी लोन है। तो हम सारे मिलके जागरूक युवा उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हमारे समाज में वो प्रतिभाएं ढूंढेंगे जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, हम उन लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्लस धंधे के लिए जो हम पिछड़े हुए हैं, काफ़ी सरकार लोन देती है जो हमें अवेयरनेस नहीं है, हम इस अवेयरनेस के आगे उस सरकार से अपना मार्गदर्शन लेके अपने बिजनेस को भी बढ़ाएंगे। आपका नाम? अमजद हुसैन घोसी।